हेलो एवरीवन वेलकम टू एडुकेमी मैं आज आप लोग को पूरा कंप्लीट एक डिटेल बताना चाहती हूं कि आप किस तरह से इंग्लिश में 200 हंड्रेड आउट ऑफ 200 हंड्रेड स्कोर कर सकते हैं और वो भी अपनी फर्स्ट चांस में रिमेंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सभी लोग कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क आपको सुनिश्चित सक्सेस दिला सकता है और बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सबसे पहले आइए आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस एंड नरेशन याद रखना आपको मैं बता दूं अगर पैसिव वॉइस एंड नरेशन की बात की जाए तो ट्यर वन में पैसिव वॉइस के दो क्वेश्चन होते हैं है ना और नरेशन के भी दो क्वेश्चन होते हैं जेनरली आपको देखोगे एक क्वेश्चन आएगा एक्टिव टू पैसिव पैसिव दूसरा आएगा टू एक्टिव जो लेटेस्ट ट्रेंड है नरेशन के भी दो क्वेश्चन होते हैं यानी कि आप देखो तो 25 क्वेश्चंस में चार क्वेश्चन अच्छा खासा मायने रखता है लेकिन टीयर वन के बाद आता है टीयर टू और रिमेंबर टीयर टू में वॉइस यानी कि जो वॉइस पे क्वेश्चन होते हैं वो दो के जगह पे हो जाते हैं बीस और जो नरेशन है जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे जो क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं ट्वेंटी सेवन तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छी तरह से कि भाई फोर्टी सेवन क्वेश्चन आउट ऑफ टू हंड्रेड इसका मतलब लगभग वन फोर्थ ऑफ द पेपर कितने मिनट में कर लोगे मैक्सिमम टेन मिनट्स में यानी आपको दो घंटे में आपको दो सौ क्वेश्चन करने हैं दो घंटे में 200 सौ क्वेश्चन करने हैं यानी 120 मिनट में मैं कहूंगी कि वन फोर्थ ऑफ द पेपर अगर आप 10 मिनट में खत्म कर लिए तो 110 मिनट में आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन करना है अभी मैं आऊंगी बताऊंगी कि आपको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो टाइम और बहुत आसानी के साथ राइट right? यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस एंड नरेशन लेकिन पैसिव वॉइस और नरेशन करने से पहले क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस दिया गया हो मैं बता दूं आपको वर्व आना चाहिए पासे में हर वर्व का थर्ड फॉर्म आता है तो फिर आपको तो आना चाहिए है ना इसका मतलब वर्व आना चाहिए उसके बाद आपको प्रोनाउन भी आना चाहिए क्योंकि आगे जो आई है वो जब वॉइस चेंज करते हो तो आई चेंज होता है मी में यू चेंज होता है यू में ही शी चेंज हो जाता है हर में अब पीछे से हिम उठा के आगे लगाओगे तो ही में चेंज होगा जब आगे आएगा इसका मतलब प्रोनाउन का भी आपको पता होना चाहिए राइट right? अगर हम कहें कि भाई वर्फ का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है ओके okay, तब तो हम इसके वॉइस में यानी कि पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी थ्री लगाते हैं यानी वर्फ का थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए और इज एम आर किसके साथ आता है वो भी पता होना चाहिए यानी कि आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए वर्ब का भी नॉलेज होना चाहिए हर वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए आपको प्रोनाउन का चेंज पता होना चाहिए और जब तक आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो वॉइस कैसे बनाओगे इसका मतलब टेंस प्रोनाउन वर्ब, ये तीनों चैप्टर क्लियर होगा तभी तो आप वॉइस कर सकते हो वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इनडेफिनिट होता है नरेशन में पास्ट इनडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होता है नरेशन में इसका मतलब जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं है तो नरेशन कैसे होगा नरेशन में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बनाना रहता है क्योंकि अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें तो अलग तरीके से बनता है ऑप्टेटिव अलग तरीके से बनता है इम्परेटिव अलग तरीके से बनता है इसका मतलब भाई मैम कौन कौन से तरह के सेंटेंसेस आप बात कर रहे हो इसका मतलब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आना चाहिए आपको टेंस आना चाहिए और टेंस में कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो भी पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए टाइम हियर का देयर नाउ का देन नाउ का देन टाइम चेंज है प्लेस का चेंज हियर का देयर इसका मतलब ये सारे चेंजेस भी तो आने चाहिए इसीलिए पैसिव वॉइस नरेशन पढ़ने से पहले हमें वर्क क्लियर होना चाहिए हमारा

एनी वर्ड जो भी नाउन है उससे क्वेश्चन आ सकता है जितने भी कंफ्यूजिंग नाउन है सबसे क्वेश्चन आ सकता है नाउन से बहुत क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर है syntax, या फिर उसको हम भी कहते हैं। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और याद रखना क्वेश्चन उन्हीं सेक्शन से ज्यादा आते हैं जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कंफ्यूज करे इसीलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कुछ चैप्टर्स जैसे कि वर्ब हो गए टेंस हो गया उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इन पर आधार अगर आपकी आधार बहुत अच्छा होगा आपका आधार ना तो आप नाउन भी समझ जाओगे प्रोनाउन भी समझने के लिए भाई आपको पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए है ना तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप वर्क के फॉर्म्स याद कर लो टेंस पढ़ लो और उसके बाद आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लोग कहते हैं मैम नाउन पढ़ेंगे तब ना प्रोनाउन पढ़ेंगे बेटा नाउन में तो देखा जाए तो सिर्फ वोकैबलरी पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं जिनमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन वहां से आता है प्रोनाउन बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे चलता है वो नाउन पर आधारित ये नहीं कि हम स्कूल के बाद स्कूल में जैसे होता है ना कि नाउन के बाद प्रोनाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब ऐसा नहीं है प्रोनाउन अलग से पढ़ सकते हो एडजेक्टिव एडवर्ब एक साथ देखोगे तो अच्छा रहेगा कंजंक्शन और इन्वर्जन चैप्टर देखोगे एक साथ तो अच्छा रहेगा अगर आप वर्ब पढ़ रहे हो तो कॉजिटिव तो और मूड अगर एक साथ देख लो अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो तो तो अच्छा रहता है लेकिन वर्ब अगर बोलोगे मैम मुझे तो वर्ब के फॉर्म्स ही याद नहीं है तो भाई पहले आप खाली वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो फिर बाद में कॉजिटिव तो वर्ब और मूड और इन्वर्जन देखना लेकिन कंजंक्शन तो और, और इन्वर्जन का अच्छा पोर्शन है जो बिल्कुल दोनों में है तो इसीलिए मेरा कहना है पढ़ने का तरीका सीखना पड़ेगा पढ़ने का तरीका आपको खुद कई बार नहीं आता और इसीलिए आप बहुत मेहनत करते हो फिर कहते हो मैम रिजल्ट नहीं मिला बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ बेटा एक चीज आप जब पढ़ाते हो ना हम लोग जब पढ़ाते हैं हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं बहुत ज्यादा हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं इसीलिए आप जो मिस्टेक खुद करोगे वो मिस्टेक करने से आपको हम लोग रोक देते हैं एजुकेमी में बहुत बढ़िया एकदम ट्रेनड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं आप कुछ सालों के बाद कहोगे हम इतना तो फी अफोर्ड कर सकते थे लेकिन अब हमारे पास एज नहीं रहा समय चला गया हाथ से तो फिर कभी नहीं आता और एजुकेशन में कई लोग कहते हैं बहुत पैसे बर्बाद हो गए मुझे उन पर हंसी आती है वो मूर्ख होते हैं उसका रीजन क्या है कि पैसा कभी भी एजुकेशन में बर्बाद नहीं होता इन्वेस्ट होता है इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कैसी करनी है पहले तो आप अपना ग्रामर मजबूत करो उसके बाद वो कैबलरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो और हम जितने क्लास में करवाते हैं उनको देखो वोकैबलरी बिल्कुल तैयार हो जाएगा और फिर अपनी रीडिंग सही करो क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोज टेस्ट और जो आपके कंप्रीहेंशन आता है उसके ट्रिक्स में बताऊंगी लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए इसलिए रीडिंग आज से शुरू कर दो आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी एडुकेमी की है फर्स्ट क्लास तैयारी होगी बस आपको हमारा साथ देना है और साथ में बहुत अच्छे से बिल्कुल हिम्मत के साथ कमर कस के बस अब छह महीने हमारे साथ रहिए फिर बताइएगा तैयारी कैसे हुई थैंक यू सो मच